संगीत की दुनिया में इन दिनों एक सुखद बदलाव की आहट मिल रही है। लड़कियां स्थापित सोच को तोड़ते हुए उन वाद्य यंत्रों को बजाने के लिए आगे आ रही हैं, जिन पर अभी तक पुरुषों का वर्चस्व ही समझा जाता था। आपको मिलवाते हैं लखनऊ की उन तीन बेटियों से, जिन्होंने अपने हुनर और लगन से सबको हैरान किया। लखनऊ में शास्त्रीय संगीत को बढ़ावा देने के लिए आयोजित इस समारोह में सृष्टि और महिमा न सिर्फ अपनी कला का प्रदर्शन कर रही हैं, बल्कि सामाजिक सोच की उस दीवार को भी तोड़ रही हैं जो इनके सामने बार बार आती रही है। मैंने काफी सारे कॉम्पिटिशन्स भी अटेंड कर रखे हैं, जिसमें काफी जगह पर पोजिशंस भी आई है मेरी, लेकिन वो क्या होता है कि फैमिली की तरफ से भी और काफी लोगों की तरफ से होता है कि तबले को लेकर लड़की कितना ही कर पाएगी, वो चीजें होती हैं, काफी सारी बाउंडेशंस भी होती हैं हम सब के लिए। तो लेकिन अभी ये है कि करते 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 थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल रहा है घर से भी, और वैसे भी सब जगह से मिल रहा है, और टीचर्स की साइड से तो बहुत ज्यादा ही सपोर्ट मिलता है मुझे। तो तबला और पखावज जैसे वाद्य यंत्रों को बजाने में पुरुषों का वर्चस्व होने की वजह से जब इन दोनों ने इसे बजाने की इच्छा जाहिर की तो घर में ही लोगों ने सवाल उठा दिए। लेकिन कहा जाता है कि जब इरादे बुलंद हो तो मंजिल के लिए रास्ते अपने आप ही बनते चले जाते हैं। पखावज और तबले को नरवाद्य कहा जाता है। अभी तक लोगों की यही धारणा थी कि इन वाद्य यंत्रों को बजाने के लिए ज्यादा ऊर्जा और ताकत की जरूरत होती है। स्थापित सोच के मुताबिक सिर्फ पुरुष कलाकार ही इनको बजा सकते हैं, लेकिन अब लड़कियां भी इन वाद्य यंत्रों को बजाने के लिए आगे आ रही हैं। लखनऊ में हुए समारोह में यूपी से तबला और पखावज के 80 कलाकार शामिल हुए, जिसमें सिर्फ 3 लड़कियां आईं। आज जब हर क्षेत्र में बराबरी की बात कही जाती है तो ये आंकड़ा अपने आप में चौंका देने वाला है। संगीत नाटक एकेडमी से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि लड़कियों को इसमें आगे आना चाहिए, एकेडमी उनको मंच देने के लिए तैयार है। किस तरह से सशक्तिकरण महिलाओं का, लड़कियों का हो रहा है, किस तरह से लड़कियां आगे बढ़ रही हैं और उस सोच को, स्थापित सोच को तोड़ रही हैं जो पहले कहा जाता था, सुना जाता था, यानी नरवाद्य जिनको कहा जाता है, पखावज या तबला, उनको बजा रही हैं लड़कियां और उसमें भी लड़कों को टक्कर दे रही हैं, आगे आ रही हैं। तो संगीत बिल्कुल एक सुरीला माध्यम है जिसको सुनते ही चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, मन में शांति मिलती है, लेकिन उसमें किस तरह से अपनी ताकत या शक्ति का प्रदर्शन कर रही हैं और सशक्त बन रही हैं लड़कियां, ये हम देख रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप दुबे के साथ शिल्पी सेन, लखनऊ।